अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हमने स्टार्ट किया है विल के चैप्टर नंबर 6, जो कि आपका किस चीज़ के बारे में है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में। सही है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में। सही है, फिर इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ मदरहुड के बारे में हमने पढ़ा, फिर जो फोर पिलर्स है फैमिली प्लानिंग, एंटीनेटल केयर, क्लीन योरसेल्फ डिलीवरी, एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के बारे में हमने बात की, यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे को हमने डिस्कस किया, मेटरनल हेल्थ की बात की, एंटीनेटल विजिट की बात की, एंटीनेटल सर्विसेज फॉर मदर की बात की थी, एंटीनेटल एडवाइस की बात की थी। अब हम बात करेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की। सही है, हाई रिस्क आज के लेक्चर में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज की बात करेंगे। सही है, अच्छा, हमारे पास जो है, जो मेन पर्पस है एंटीनेटल केयर का, वो ये है कि हम जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उसको आइडेंटिफाई करें। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, उसको आइडेंटिफाई करें। सही है, जो एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन है लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह, ये चीज़ें भी आपकी प्रेगनेंसी को वो डिफ़िकल्ट बनाती है। सही है, रिस्की बनाती है, या ओवरवेट या ओबिसिटी वगैरह हो गई। सही है, तो ये चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी को क्या करती है, कम्प्लिकेट करती है। सही है, तो जो मेन पॉसिबल रिस्क हमारे पास आ जाते हैं वो एल्डरली प्रीमिग्रेविडा। सही है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास वो है कि जब फीमेल की फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमिग्रेविडा। सही है, तो एल्डरली प्रीमिग्रेविडा हो मतलब कि उसका एज ज़्यादा हो, या तो 30 ईयर्स या उससे अबव हो। सही है, या शॉर्ट स्टटर्ड प्रीमिग्रेविडा के जो फीमेल प्रेगनेंट है उसका एज या तो कम है। सही है, या फिर जो है माल प्रेजेंटेशन हो गई, या एंटीपोटम हेमरेज। एंटीपोटम हेमरेज आपके पास ये है कि जब आपका प्रेगनेंसी का 20 वीक चल रहा हो, सही है, और आपसे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए। सही है, वो तो या तो प्लेसेंटर डैमेज की वजह से भी हो सकते हैं, यूट्रस वगैरह इरोजन वगैरह की वजह से भी हो सकते हैं, विजाइनल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ कॉजेज इसकी हो सकती है। सही है, या फिर थ्रेटन एबॉर्शन वगैरह हो आपके पास। सही है, या फिर आपके पास टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी हो। टॉक्सीमिया आपके पास ये है कि जब आपके पास पॉइजन वगैरह ब्लड में आ जाए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वगैरह, मुख्तलिफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह की वजह से। सही है, या एनीमिया हो, या मल्टी प्रेगनेंसीज उनकी हो चुकी हो। सही है, या कोई हिस्ट्री हो उनकी। सही है, इंट्रायूटराइन डेथ वगैरह की, या इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी वगैरह हो, या सी सेक्शन की कोई हिस्ट्री वगैरह हो। सही है, या उनकी प्रेगनेंसी हो जिस, और साथ ही उनको हार्ट डिजीज़, टीबी, डायबिटीज़, मेलाइटस, या लीवर डिजीज़ वगैरह हो। सही है, तो ये सारी क्या है, पॉसिबल रिस्क है प्रेगनेंसीज की। सही है, ये सारी प्रेगनेंसीज जो थी अब आपके पास हाई रिस्क पे है। सही है, तो ये आपके पास एक हमारे पास आ गया मल्टीपल बर्थ। सही है, कि एक औरत के बहुत ज़्यादा बच्चे हो और स्टिल वो प्रेगनेंट हो, तो उनके भी कॉम्प्लिकेशन वगैरह के चांसेस है, उनकी प्रेगनेंसी भी जो होती है अब रिस्क वगैरह में है। सही है, अब हम बात कर लेते हैं नेटल केयर की। नेटल केयर आपके पास क्या है। सही है, तो जो चाइल्ड बर्थ जो होते हैं वो आपके पास क्या है, नेटल, जो प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ है वो आपके पास नेटल केयर कहलाता है, या इंट्रानेटल केयर कहलाते हैं। सही है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वगैरह परफॉर्म होती है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन भी अराइज हो सकती है, लाइक सेप्टिसीमिया आपके पास हो सकता है। सेप्टिसीमिया आपके पास क्यों होता है, क्योंकि आपके पास जो होती है जब ड्यूरिंग जब आपके पास बर्थ हो रही होती है, डिलीवरी हो रही होती है उसी, तो जो हेल्थ वर्कर होते हैं उन्होंने अनस्किल्ड या जो सेप्टिक मैनिपुलेशन वगैरह वो उनकी काफ़ी वो हो। सही है, स्टरलाइज टेक्निक्स वगैरह यूज़ नहीं हुए, स्किल टेक्निक वगैरह उन्होंने यूज़ नहीं किए हुए। सही है, या जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए वो स्टरलाइज ना हो, टेटेनस वगैरह भी उसे हो सकते हैं। सही है, तो इफेक्टिव इंट्रायूटराइन केयर के लिए जो है हमने जो ज़्यादातर जोर क्लीनलीनेस वगैरह पे देते हैं। सही है, कि क्लीन करो हैंड एंड फिंगर नेल्स वगैरह, क्लीन करो सरफेस फॉर डिलीवरी, क्लीन करो कटिंग एंड केयर ऑफ कॉर्ड वो क्लीन उससे करो। सही है, कीपिंग द बर्थ कैनाल क्लीन बाय अवॉइडिंग हार्मफुल प्रैक्टिसेस वगैरह। सही है, एम हमारे पास क्या है गुड इंट्रायूटराइन केयर का। सही है, एम अब हम के चीज़ के बारे में करते हैं, एम की बात करते हैं। सही है, ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है कि हम जो हैं उसको एसेप्टिक टेक्निक से उसको वो करें। सही है, डिलीवरी करें, डिलीवरी हम करें मिनिमम इंजरी वगैरह उसमें हो मदर और इन्फेंट की। सही है, रेडनेस टू डील पोस्ट नेटल कॉम्प्लिकेशन वगैरह, जो बेबी केयर वगैरह होती है एट डिलीवरी, वो हम प्रॉपर स्किल तरीके से हम उसको डिलीवर कर पाए। सही है, ताकि जो मदर और चाइल्ड वगैरह आपके पास है, सही है, तो उनकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह आपके पास कम हो। सही है, तो इसलिए आपके पास जो होती है प्रॉपर स्किल टेक्निक का होना आपके पास ज़रूरी है। सही है, देन हम बात करते हैं डोमिसिलरी केयर वगैरह की। सही है, ये आपके पास क्या है डोमिसिलरी केयर, क्या आपकी प्रेगनेंसी डिलीवरी वगैरह
हो रही है घर में ही, सही है, घर में ही आपकी वो हो रही है, सही है, प्रेगनेंसी वगैरह हो रही है, डिलीवरी, सॉरी, डिलीवरी वगैरह हो रही है, सही है। ये सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन भी होती है क्योंकि जो फैमिलियर पर्सन वगैरह होते हैं आपके सराउंडिंग में होते हैं, सही है, तो वो फियर आपके अंदर होता तो है पर इतना नहीं होता, सही है। हमारे पास जो डोमिसिलरी केयर है इसके मुख्तलिफ एडवांटेजेस वगैरह हमारे पास आ जाते हैं, सही है, मुख्तलिफ इसके फ़ायदे आ जाते हैं कि जो डिलीवरी होती है, जब आप डिलीवरी हो रही होती है तो फैमिलियर नॉन पीपल आपके सराउंडिंग में होते हैं, सही है, नो चांस फॉर क्रॉस इन्फेक्शन, और आपके जो होते हैं कीप वॉच ऑन द चिल्ड्रन एंड डोमेस्टिक अफेयर्स वगैरह, सही है। तो ये तीन इसके क्या आ गए, एडवांटेजेस आ गए। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में ये है कि लेस स्ट्रेस उनको मिल रहा होता है, लेस मेडिकल और नर्सिंग सुपरविजन मिल रही होती है, उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, सही है, उनमें जल्दी आफ्टर डिलीवरी जल्दी वो क्या कर लेते हैं, डोमेस्टिक ड्यूटीज़ वगैरह पे जो घरेलू उनके काम वगैरह होते हैं उस पर लग जाते हैं, सही है। हम बात कर लेते हैं इंस्टीट्यूशनल केयर की, सही है, तो ये आपके पास रिकमेंडेड हाई रिस्क केसेस वगैरह जब आ जाते हैं, सही है, लाइक होम का अनसेटिस्फैक्ट्री होम कंडीशन, डिलीवरी वगैरह आ जाती है, सही है, जो होम डिलीवरी होती है उनमें 1% जो होती है एबनॉर्मल होती है, और 4% जो होती है ऐसी डिलीवरीज होती है जिनको आपके पास जो होती है डॉक्टर वगैरह की सर्विसेज की नीड पड़ती है, सही है, रिक्वायर होती है उनकी नीड वगैरह, तो हमें चाहिए कि हम जो होते हैं प्रॉपर जो स्किल्ड प्लेस हो हम उधर जाएँ, सही है, जिधर आपके पास प्रोफेशनल लोग प्रेजेंट हो तो हम उधर जाके डिलीवरी करवाएं, सही है। रोमिंग इन मेथड हमारे पास क्या होते हैं, रोमिंग इन आपके पास क्या है, ये आपके पास इसमें हम क्या करते हैं, बेबी को जो होते हैं मदर के बेड साइड पे ऐसे क्राइप कर लेते हैं, लेटाते हैं, सही है, इससे आपके पास क्या होगा, मदर को पता चलेगा बेबी मूवमेंट्स वगैरह के बारे में, और वो मेंटली भी इस चीज़ के लिए इंटरेस्ट लेगी ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह में, सही है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह भी आएगा उनमें, सही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं पोस्ट नेटल केयर की, PNC, पोस्ट नेटल केयर की हम बात कर लेते हैं, सही है, तो ये आपके पास केयर है मदर और न्यू बोर्न की आफ्टर डिलीवरी, अब आपकी डिलीवरी हो चुकी है, सही है, तो उसके आफ्टर डिलीवरी जो केयर होती है वो आपके पास पोस्ट नेटल केयर होती है, सही है, इसको हमने डिवाइड किया है टू ग्रुप्स में, एक हमारे पास क्या है केयर ऑफ मदर, जिसमें हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑब्स्टेट्रिशियन आ जाती है, और केयर ऑफ न्यू बोर्न, इसमें कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है पीडियाट्रिशियन और जो ऑब्स्टेट्रिशियन वगैरह की, सही है, ये हमारे पास जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरियंटोलॉजी ना, जिस ये जो कंबाइंड एरिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसमें जो ऑब्स्टेट्रिशियन और पेडिट्रिशियन वगैरह जो होती है उनकी कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, उसको हम पेरियंटोलॉजी बोलते हैं, सही है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरियंटोलॉजी बोलते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाती है, ऑब्जेक्टिव आ जाती है किस चीज़ की, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव आ जाती है पोस्ट नेटल केयर वगैरह की, ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ जाती है, सही है, एम्स हमारे पास आ जाते हैं, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि हम प्रिवेंट करें जो पोस्ट नेटल कम्प्लिकेशन वगैरह होते हैं, हम प्रोवाइड करें गुड वो उसको प्रोवाइड करें, सही है, मदर वगैरह को उनको न्यूट्रिशन वगैरह का उनकी न्यूट्रिशन वगैरह का ख्याल रखें, सही है, एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग को चेक करें, सही है, केयर फॉर बेबी वगैरह बेबी को स्पेशल केयर वगैरह प्रोवाइड करें, सही है, जो हेल्थ एजुकेशन वगैरह फैमिली वगैरह को हेल्थ उसको एजुकेशन वगैरह के रिगार्डिंग आगाह करे, सही है, और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के उनको प्रोवाइड वगैरह करे, सही है। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह में इनका बताए, सही है, और उनको गाइड करे फैमिली प्लानिंग के बारे में, सही है। अब हम बात करते हैं केयर फॉर न्यू बोर्न, न्यू बोर्न की केयर अब हम कैसे करेंगे, सही है, जो न्यू बोर्न होते हैं उनमें हमारे पास जो होते हैं उनको मतलब जब वो उनकी डिलीवरी हो जाती है, सही है, तो उनको उनको जल्दी से आप क्या करोगे, ड्राई करोगे, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करोगे न्यू बोर्न का मदर के साथ, सही है, कॉर्ड क्लैंपिंग वगैरह करोगे, कटिंग करोगे फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट मिनट्स आफ्टर बर्थ, सही है, अर्ली इनिशिएशन करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह की, सही है, और उनको फीड करेंगे, सही है, न्यू बोर्न जो होते हैं जिनकी ब्रीथिंग वगैरह स्टार्ट नहीं होती, सही है, इनिशियली तो उनको रिसिसिटेशन वगैरह करेंगे, सही है, रिस्पिरेटरी सपोर्ट वगैरह उनको प्रोवाइड करेंगे, सही है, तो हमारे पास जो होते हैं न्यू बोर्न के केयर में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ब्रीथिंग आ जाती है, जब बेबी डिलीवर हो जाते हैं तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास क्या आ जाती है कि हम कार्डियो रिस्पिरेटरी फंक्शन उनका इस्टेब्लिश करें, सही है, उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग वगैरह करें, उनको उनका जो है थोड़ा सा लो करके रखें ताकि उसे ड्रेनेज और सिक्रीशन वगैरह की जो एम्यूनियोटिक फ्लूड वगैरह है म्यूकस वगैरह है वो उससे रिमूव हो सके, सही है, अगर जो होते हैं वो इनिशियल फ्यू सेकेंड में उनकी ब्रीथिंग रिस्पॉन्स ना आए तो उसके लिए फिर देन रेसिसिटेशन जो होती है वो ज़रूरी हो जाती है, सही है। अच्छा, देन हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर वगैरह की,
बेबी टेम्परेचर की मेंटेनेंस आपके पास जो होती है वो उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है. सही है, जो न्यू बोर्न आपके पास पैदा हो जाता है वो उसका जो होते हैं थर्मल कंट्रोल उनका लेटल होता है. सही है, फिर जो एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह से जो ऑपरेशन हो रही होती है, सही है, तो उसकी बेबी बॉडी उससे क्या होती है, वेट होती है. सही है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है कि इमिजिएटली जब बर्थ हो जाती है बेबी वगैरह की, सही, तो आप उसको क्विकली क्या करो, ड्राई करो, क्लीन करो, क्लीन क्लॉथ वगैरह से उसको वो करो. सही है, रेप करो, वॉर्म क्लॉथ से उसको वो करो, रेप करो. सही है, और कवरिंग करो उनकी हेड वगैरह को केप वगैरह से. सही है, और मदर से स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाओ, ब्रेस्ट फीडिंग उनसे करवाओ. सही है, तो जो न्यू बॉर्न होते हैं उनको आप क्या करो, इस तरह से जो कोल्ड वगैरह से उससे बचाओ, उनकी टेम्परेचर वगैरह आप उसको क्या करो, मेंटेन रखो. सही है, अच्छा देन हम बात कर लेते हैं क्लीनलीनेस की. जब बेबी आपके पास फ्यू आवर्स का हो जाए, सही है, तो फर्स्ट बात आप उसको दो बेबी सोप वगैरह से, वार्म वाटर वगैरह से. सही है, ताकि जो वेरनेक्स वगैरह हैं, मीकोनियम वगैरह, ब्लड क्लॉट्स वगैरह उसे रिमूव हो सके. सही है, तो बाद से पहले आप क्या करो, उसको वार्म ऑयल वगैरह भी लगाओ. सही है, मोस्टली जो फर्स्ट बाथ वगैरह होता है बेबी का, वो आपके जो स्टाफ नर्सेस वगैरह होती है वो परफॉर्म करती है आपके पास. सही है, अच्छा अब हम बात करते हैं फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यू बोर्न की. न्यू बोर्न की फिज़िकल एग्जामिनेशन हम दो तरह से करते हैं. सही है, फर्स्ट एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, सून आफ्टर बर्थ जो होते हैं हम क्या करते हैं, चेक करते हैं बर्थ इंजरीज वगैरह को, आफ्टर डिलीवरी वगैरह कोई माल फंक्शन वगैरह अगर हो, अर्जेंट केयर की नीड हो, उसको हम देखते हैं. सही है, मेच्योरिटी वगैरह को असेस करते हैं. सही है, एबनॉर्मलिटीज़ को हम देते हैं, क्या कोई सेंट्रल साइनोसिस वगैरह तो नहीं है. सही है, ब्लूशिंग बेबी वगैरह, ब्लूशिंग साइनोसिस के उसमें उधर आपके पास जो होती है क्या हो, डी ओ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन उस एरिया पे ज़्यादा होती है और वो एरिया क्या हो, ब्लूश अपीयर होते हैं. सही है, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है, परफोरेट एनस तो नहीं है, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी तो नहीं है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं कर रहे. सही है, उनको फिट्स वगैरह तो नहीं आ रहे. अच्छा सेकेंड एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, फिर बात करेंगे चाइल्ड स्पेशलिस्ट वगैरह की विद इन 24 आवर्स वगैरह. सही है, कि वो डिटेल सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन वगैरह करे. सही है, तो हम क्या करेंगे, बॉडी टेम्परेचर को नोट करेंगे. सही है, अच्छा हमारे पास क्या होती है, दो तरह एग्जामिनेशन, फर्स्ट एग्जामिनेशन की अब हम बात हमने की है, सेकंड एग्जामिनेशन की हम बात कर रहे हैं. सही है, सेकंड एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को कॉल करेंगे. सही है, विद इन 24 आवर्स. सही है, ताकि वो कोई इस तरह से एबनॉर्मल अगर कोई चीज़ अगर हो रही है, कोई एबनॉर्मलिटी हो तो अर्ली उस पर डिटेक्ट करें, ताकि अर्ली मैनेजमेंट उसकी हो सके. सही है, बॉडी टेम्परेचर को देखेंगे, बॉडी साइज़ वगैरह को देखेंगे. सही है, बॉडी साइज में हम वेट, लेंथ, हेड सर्कमफेरेंस देखेंगे, स्किन को देखेंगे, स्किन में हम साइनोसिस देखेंगे, पेलरनेस वगैरह को देखेंगे. सही है, जनरलाइज एरिथमा को देखेंगे, एरिथमा रेड स्पॉट्स होते हैं आपकी बॉडी को. सही है, हेमेंजिनोमस आपके पास क्या होते हैं कि थोड़ा सा लार्ज रेड मार्क होता है. सही है, आपकी स्किन वगैरह पे. हेड को देखेंगे, हेड में हाइड्रोसेफेलस वगैरह देखेंगे. हाइड्रोसेफेलस CSF वगैरह की जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वगैरह होती है उसकी फिलिंग वगैरह होती है उधर. सही है, तो वो ये कंडीशन है. सही है, लार्ज फाउंटेनल्स वगैरह को देखेंगे. सही है, प्रोमिनेंट स्कैल्प वेंस वगैरह को देखेंगे. आई को हम देखेंगे कैटरेटिक वगैरह, कंजंक्टिवा वगैरह, कोलोम्बा जो कंडीशन होती है वो चेक करने के लिए. सही है, ईयर को हम देखेंगे एसेसरी ऑरिकल्स वगैरह के लिए, प्री ऑरिकल पेड्स वगैरह के लिए. सही है, माउथ एंड लिप्स वगैरह को देखेंगे कि हेयर लिप्स है, क्लिफ्ट पैलेट वगैरह को देखेंगे. सही है, कार्डियो रिस्पायरेटरी स्टेटस में हम पल्स को चेक करेंगे, रिस्पायरेटरी रेट को देखेंगे, सेंट्रल साइनोसिस वगैरह को देखेंगे, कार्डिक मर्मर वगैरह को देखेंगे, एबनॉर्मल फ्यूमोरल पल्स को देखेंगे, चेस्ट एंड ड्रॉइंग वगैरह को देखेंगे. सही है, जो न्यूरो बिहेवियर होते हैं उसमें हम पोस्चर देखेंगे, क्राइन क्या है, ये रो रहे हैं नहीं रो रहा, मूवमेंट कर रहा है मूवमेंट नहीं कर रहा, मसल टोन को देखेंगे, नेक रिट्रैक्शन वगैरह को देखेंगे, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वगैरह को देखेंगे. सही है, देन हम एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन में हम क्या चेक करेंगे कि आया एब्डोमेन आपके पास जो होती है, एब्डोमेन की शेप देखेंगे, एब्डोमिनल मास, डिस्टेंशन, इम्परफोरेट एनस वगैरह. सही है, लिम्स और जॉइंट्स में हम देखेंगे डिफॉर्मिटीज़ वगैरह, कंजेंटल डिसलोकेशन और हेप जॉइंट वगैरह देखेंगे. सही है, एक्स्ट्रा डिजिट्स वगैरह जो होती है वो हम देखेंगे. एक्सटर्नल जेनिटल में हम फीमेल अगर हो तो उसमें हम लार्ज क्लाइटोरियस वगैरह देखेंगे, फ्यूज लेबिया वगैरह देखेंगे. सही, अच्छा मेल में, मेल की अगर हम बात करें तो उसमें हम हाइपोस्पेडियस देखेंगे, हाइड्रोसील देखेंगे, अनडिसेंडेड टेस्टिस वगैरह, ये चीज़ें हम उनमें ऑब्जर्व करेंगे, उनमें ये चीज़ें हम देखेंगे. सही है,
अच्छा, तो जो आज का लेक्चर था वो हमारे पास किस चीज़ के बारे में था, वो जो हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन हमारे पास अकर हो रही है किस चीज़ में, प्रेगनेंसी वगैरह में, उसकी हमने बात की। सही है कि हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशन कौन से केसेस में अकर होती है। देन हमने बात की नेटल केयर की, डोमिसिलरी केयर की, पोस्ट नेटल केयर की, इंस्टीट्यूशनल केयर, रोमिंग एंड क्या होती है, केयर ऑफ न्यू बॉर्न की बात की, उसमें मेनली चीज़ें ब्रीथिंग आ गई, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर आ गया, क्लीननेस आ गई सी। देन फिजिकल जो एग्जामिनेशन है न्यू बॉर्न की उसकी हमने बात की, उसमें हमने दो तरह के एग्जामिनेशन करे, फर्स्ट एग्जामिनेशन और सेकंड एग्जामिनेशन। फिर उसमें सेकंड एग्जामिनेशन में हमने डिटेल हर बॉडी पार्ट वगैरह की वो करनी है, सही है, एग्जामिनेशन वगैरह करनी है ताकि हम देख सके कि कोई एबनॉर्मेलिटी वगैरह तो नहीं है। सही है, होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू।